चलो देखो अध्याय 3 विविध प्रश्नावली। देखो लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड में क्या लाना है? जीरो जीरो लाना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड लेके आओ। लेफ्ट हैंड साइड देखो ये 2 cos 5/13 cos 9/13 प्लस cos 3/13। अब देखो यहाँ इस इधर कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है ना, यहाँ पे लग जाएगा cos c + cos d है ना, cos c + cos d। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, cos c + cos d बराबर क्या होगा, 2 cos c + d/2 cos c - d/2 है ना। लेफ्ट हैंड साइड तो देखो ये तो एज इट इज आएगा 2 cos π/13 cos 9π/13। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग नहीं रहा है। देखो cos c + cos d तो पहले तो 2 आएगा फॉर्मूले का 2 है ना, आएगा कि नहीं आएगा, इस पर लगा रहा हूँ ना मैं, फॉर्मूले में 2 है ना, आएगा 2। मैंने अलग से लिख दिया ताकि हाईलाइट हो जाए, 2 cos c + d, ये c है, ये d है, तो c + d करो, 3π/13 अभी लिखना है ना, c + d (2) इंटू cos c - d/2 माइनस का 5π/13 कहाँ है, अच्छा सॉरी 13। ठीक है अभी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, मुझे बता 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस ये 2 है ना। देखो देखो 13 ऊपर क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 समझ में आ रहा है, 8π/13 कॉमन ले ले, और ये 2/1 तो क्या बन जाएगा, ये पलट के 1/2 बन जाएगा। देखो दो स्टेप मैंने एक साथ कर दिया है ना, पहले तो ऊपर क्या करा 5 और 3 8 8π/13 फिर 2/1 पलट के क्या होगा 1/2, दो स्टेप एक साथ कर दिया मैंने। यहाँ देखो नीचे तो 13 आएगा, 3 - 5 - 2π बटे 13 इंटू ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ इससे, 2 × 2 = 8 2 × 2 = 2 2 cos π/13 cos 9π/13 जो बचा लिखो 2 cos, यहाँ से क्या बचा 4π/13 cos -π/13। देखो कॉस माइनस खा जाता है, अपने ऐसे याद रखते हैं ना कॉस ऑफ, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो अगली बार में क्या हो जाएगा, cos 5/13 प्लस क्या हो जाएगा ना, cos 9π/13 प्लस 2 cos 4π/13 cos π/13। अब देखो कॉमन निकल रहा है 2 cos π/13 ये 2 cos π/13 है ना, तो बस यही चाहिए अपने कॉमन निकालना था, 2 cos π/13 क्या बोल दिया, cos 9π/13 प्लस cos 4π/13। अब देखो यहाँ फिर से फॉर्मूला लगेगा cos c + cos d है ना। चलो इधर लगा रहा हूँ, चलो तो अभी मैंने क्या करा है, ये वाली लाइन यहाँ दोबारा लिख दी, ठीक है। अब अपन इधर से शुरू करते हैं, कॉमन तो निकाल लेते ना, हाँ ठीक है, 2 cos π/13 यहाँ भाई cos c + cos d क्या होता है, 2 cos c + d c + d/2 cos c - d/2 π/13 2 cos देख लो, अच्छा ये 2 कैसे आ गया कैसे आ गया 13। देखो हर समान है तो ऊपर ऊपर जो जाएगा 9 और 4 13 हो गया, 13/13 तो ये 2/1 पलटेगा तो 1/2 हो जाएगा, 9 और 4 13 अरे वाह 13π/13 अच्छा घटेगा, सॉरी अरे 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 क्या हो रहा है आज, 1/2 13 कैंसिल हो गया, अब तो नहीं कटेगा कुछ, 2 cos π/13 2 cos ये पाई बचा ना पहले ना, तो π/2 1/2 नहीं आएगा सर,
ये पाई में वन का मल्टीप्लाई करा वन और नीचे दो आता हो क्या ये क्या ठीक है कॉस पाई पाई बाई ट्वेंटी तेरह छब्बीस हाँ अब देखो अब यहाँ मेरे को पाई बाई थर्टीन का मान नहीं मालूम इसका नहीं मालूम लेकिन इसका मालूम मेरे को मतलब आपको भी मालूम है कॉस नाइन्टी की वैल्यू क्या होती है कॉस नाइन्टी जीरो होता है और जीरो से जो टकराता है वो जीरो बन जाता है समझ गए तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा क्या हो जाएगा जीरो इसमें होगा सब जीरो हो गया कि नहीं हो गया जी सर तो बस जीरो ने अपना काम आसान कर दिया तो ये क्या हो गया राइट हैंड साइड जीरो का पहले राइट हैंड साइड जीरो का किसी में भी हो सब जीरो है ना जी सर।